शांता, शांता जी, आज शाम मुझे आने में कुछ देर हो जाएगी, तुम चिंता मत करना। कहीं बाहर जा रहे हो या ऑफिस में ही कोई काम है? नहीं, मैं जनार्दन के यहाँ जा रहा हूँ। डैड, आप जनार्दन जी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं जनार्दन के बारे में उसकी बीवी मीता से कुछ बात करना चाहता था। डैड, आप क्यों दूसरों के घरों में झांकते रहते हैं? क्या मिलता है आपको ये तंग झांक करके? इंसान हर काम सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ मिले। मैं तो सीधा भाभी की भलाई के लिए ये कर रहा हूं। मैंने ही तो उसे खत लिखा था कि जनार्दन की दूसरी शादी हो चुकी। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं डैड, ये आपने किसी की भलाई के लिए नहीं किया है, बल्कि खुद तमाशा देखने के लिए किया है कि जब सीता आंटी को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, जब जनार्दन जी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, जब मीता आंटी को पता चलेगा कि वो अपने पहली पत्नी का इंतजार कर रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो ना, तो चुप रहो। मैं जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा, तुम्हारे दखल देने से भी मैं नहीं रुकूंगा। डैड प्लीज, प्लीज डैड, पहले ही आपकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत हलचल आ चुकी है, अब कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि वो लोग संभल ही ना सकें। तुम क्या समझते हो मैं इतनी ताकत रखता हूं कि लोगों की जिंदगियों को कठपुतली की तरह नचा सकूं? शरारत करने वाले को ताकत की जरूरत नहीं होती है डैड, उनकी जबान ही काफी होती है। वो लोग दूसरों के घरों में आग लगा के खुद किनारे खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। संजय, कैसी बातें कर रहे हैं तू? मम्मी, अगर आप इन्हें अभी तक नहीं पहचान पाई है ना, तो मुझे बहुत अफसोस है। ये खुद तमाशा देखने के लिए दो घरों की बर्बादी का कारण बन जाएंगे। बस, इसके आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं डैड कि जनार्दन जी का बेटा मोहन अब मेरा दोस्त है, और उससे जो भी दुश्मनी करेगा वो मेरा भी दुश्मन बन जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या आप मोहन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मोहन मेरा दोस्त है और वक्त आने पर मैं दोस्ती का फर्ज अदा करूंगा।